पुत्र हूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाए। ये प्रश्न बार बार मेरे अंतर को काटता है। मेरे लिए इन दोनों में से क्या अधिक अच्छा होगा? मैं दुर्भाग्य की ठोकरें सहता हुआ जीवित रहूं या मृत्यु की शरण लेकर इस क्रूर भाग्य के कुचक्रों का अंत कर दूं? कुछ भी समझ में नहीं आता। यदि मौत नींद से अधिक कुछ नहीं और यदि नींद से हमारे जीवन की सारी चिंताएं और कठिनाइयां समाप्त हो सकती है तो फिर हम इस नींद की गोद में क्यों नहीं सो जाते? अनेक तरह के सपने आकर हमारी शांति को भंग करते हैं तो तब तो हमें स्वयं को इसके प्रति झिझकने से उसके प्रति समर्पित करने से अपने आप को रोकना चाहिए। इसी उलझन में पड़े हुए ही तो हम इस नीच भाग्य के क्रूर अत्याचारों को सहन करते हैं। यदि मनुष्य आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर सकता तो फिर इस जीवन की तपन को, क्रूर व्यवहार को, इतने अत्याचार को, अधिकारियों की मेच्छाओं को, मूर्ख धनी क्रूर व्यक्तियों के योग्य व्यक्तियों पर किए गए अत्याचारों को क्यों सहन करता? लेकिन जीवन के प्रति हमारा ये लगाव हमें डरपोक बनाता है, डरपोक। इसी वजह से हमारे निश्चय अपनी शक्ति और दृढ़ता खो बैठते हैं। इसी आत्मा के भय के कारण हम डरपोक बन जाते हैं। संदेह और भय का विषैला धुआं हमारे उन चरित्रों पर छा जाते हैं जिस
जिससे वे अपने आप को कभी भी काले रूप में बदल नहीं सकते। मैं पागल हूं या मेरा यह स्वीकार करना कि मैं पागल हूं, इसमें क्या फर्क है? प्रिय ओफेलिया, तुम्हारी प्रार्थना में ईश्वर से मेरे पापों के लिए क्षमा मांगना। प्रिय ओफेलिया, मेरे लिए क्षमा मांगना।